तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि इस टाइम मैं खड़ा हूँ एसिनी बोआइन कम्युनिटी कॉलेज में, जो कि ब्रैंडन कैंपस है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की जैसे कि क्वेरीज आ रही थी कि कॉलेज का टूर चाहिए या फीडबैक चाहिए कॉलेज के बारे में, तो आज विनीपैग से तकरीबन 210 किलोमीटर की दूरी पे ब्रैंडन पहुँचे हैं हम लोग, तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव करके। और यहाँ पे कॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ स्टूडेंट से बात करने का ट्राई करेंगे, एंड जिससे आपको पता चल सके कि ये जो कॉलेज है वो कैसा है। जो भी नए स्टूडेंट्स अपनी कंट्री से यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग सके कि उनका जो कॉलेज है वो कैसे दिखता है, और ब्रैंडन सिटी को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सी बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेन एंट्रेंस है, जो कि कॉलेज के कैंपस की मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम अंदर चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर। ये एरिया एडमिशन एरिया है दोस्तों। जैसे ही आप फर्स्ट डे आएंगे आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं एंड सारे के सारे जो आपकी बेसिक चीज़ें होंगी आईडी कार्ड वगैरह ले सकते हैं। रिसेप्शन के साथ ही एक यहाँ पे अचीवमेंट वॉल है जहाँ पे स्पोर्ट्स वाले जो भी टीम्स ने या इंडिविजुअल्स ने मेडल वगैरह जीते हैं वो रखे हुए हैं, और वॉल्स के ऊपर फ़ोटोज़ लगी हैं। साथ में ही लॉकर्स मिल जाते हैं आपको, अगर आपको कुछ भी सामान रखना है आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये क्लासरूम है, आप देख सकते हो नॉर्मल साइज़ का एक बड़ा क्लासरूम है, अच्छे से टेबल वगैरह लगे हुए हैं, हमने चुपके से वीडियो ले ली। ये सेंटर इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर है जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा स्टार्टिंग डेज़ में। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे आपको बुक स्टोर मिल जाएगा, बहुत सारी इन्वेंटरी वगैरह, जैकेट्स वगैरह या जो भी आपके कपड़े वपड़े होते हैं आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एंड जो भी स्टेशनरी की आइटम्स वगैरह होती हैं वो आपको ऐसे बुक स्टोर्स में से मिल जाती हैं। तो ये भी एक अच्छी जगह है शॉपिंग करने के लिए, अगर आपको कोई चीज़ एमरजेंसी में कोई कॉलेज के ऊपर चाहिए। आगे बढ़ने से पहले सोचा कुछ हल्का हो लिया जाए, तो हमने वॉशरूम यूज़ किया, और वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। ये चीज़ आई थिंक कोविड के टाइम पे लगाई गई होगी, यहाँ पे आप फुट में प्रेस करते हो तो पानी ऊपर से निकलता है। यहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड मिला जहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स के या कॉम्पिटिशन्स के पैम्फलेट्स या पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि क्रिएटिव मीडिया का एक जो सेंटर है वो बना हुआ है। अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है, आइए। सबसे पहले तो इसकी वाइब भी बहुत डिफरेंट आ रही है, कलर कॉम्बिनेशन देखिए, ब्लैक ग्रीन यू नो। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि सारा मीडिया का सेंटर बना हुआ है। आगे चल के दिखाइए, आई थिंक ये एक क्लासरूम है जहाँ पे चेयर्स वगैरह पड़ी हैं, कुछ लैपटॉप्स हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है वो लोगों के लिए जो कि मीडिया स्टडी करना चाहते हैं एसिनी बोआइन में। ये आई थिंक कोई एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम का टाइप का कुछ है, इनका कोई मेन रूम होगा, आप वो देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इस रूम को, ये तो ये देखिए, ये एक ऑनगोइंग क्लास का हमने क्लिप निकाला था जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्लास वगैरह लगा रहे हैं, सामने इंस्ट्रक्टर उनको कुछ समझा रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं जी स्टडी सेंटर, या फिर आप इसको कॉमन एरिया बोल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स वगैरह और चेयर्स वगैरह लगाई गई हैं, अगर आपने वाईफाई वगैरह यूज़ करना है और कुछ कंप्यूटर के ऊपर अपना काम वगैरह करने हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। एग्जैक्टली ये लाइब्रेरी नहीं है लेकिन स्टिल अच्छी जगह है। तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हो लाइब्रेरी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन काफ़ी सारी बुक्स वगैरह हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ की, आपको मिल जाएंगी। बैठने के लिए चेयर्स वगैरह भी यहाँ पे बनी हुई हैं, तो आप आइए यहाँ पे बैठिए, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए। कोई आपको नॉवल चाहिए या डिफरेंट कोई भी आपको बुक चाहिए आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे जिमनेजियम हॉल बना हुआ है, आई थिंक इसको बास्केटबॉल कोर्ट भी आप बोल सकते हो, जिमनेजियम आई थिंक इस साइड पे होगा। बास्केटबॉल कोर्ट फुल साइज़ का, मतलब कि फुल स्टैंडर्ड का बना हुआ है, आप देख सकते हो बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कॉलेज में।
अगर बात करें कैफेटेरिया की तो काफ़ी सारी वेंडिंग मशीन, कॉफ़ी मशीन यहाँ पे रखी गई हैं और काफ़ी स्पेशियस सी जगह लगी मुझे ये, काफ़ी बेंचेस या चेयर्स वगैरह रखी गई हैं और माइक्रोवेव वगैरह भी पड़े हैं अगर आपने लंच वगैरह अपना गर्म करके खाना हो। तो दोस्तों कैंपस का टूर तो हमने पूरा कर लिया है जी, अभी बात करते हैं कुछ फीडबैक के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करने का मौका मिला हमें, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वीडियो वगैरह हम नहीं ले पाए, वो क्लिप्स नहीं ले पाए, लेकिन जो हमने बातचीत उनसे की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मोस्टली जो फीडबैक था वो पॉजिटिव था, क्योंकि कैंपस के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं यहाँ पे। कोर्सेज के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि एसनी बोयन जो ये कॉलेज है, कम्युनिटी कॉलेज, इसमें बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी हैं कि जिनकी जो क्लासेस हैं वो विनीपेग में लगती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी कोर्सेज हैं, क्योंकि ब्रैंडन कहीं ना कहीं अगर हम कंपेयर करें विनीपेग के साथ में तो काफ़ी छोटी सिटी है। यहीं पे पास में ही सिटी सेंटर वगैरह है जहाँ पे एक दो शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं या और बहुत सारी आउटलेट्स वगैरह हैं। ये वीडियो के बाद में मतलब हम यहाँ से वहीं पर जाएँगे तो आपको थोड़े बहुत सिटी के बारे में भी बताएँगे, घुमाएँगे। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो मोस्टली जो फीडबैक मिला है प्रोफेसर्स के बारे में या और मतलब के स्टडी कल्चर के बारे में, तो वो बहुत ही अच्छा मिला है। क्लासरूम्स आपने देखा, इंटीरियर जो भी सारी चीज़ें थी वो आपने देखी, तो काफ़ी अच्छा है अंदर से भी कॉलेज। एंड असाइनमेंट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जितनी हमने सुनने को मिली है वो ज़्यादा नहीं हुई। बाकी मतलब आपको कैसा लगा, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। मेरे को सिनेवन कॉलेज अच्छा लगा, स्पेशली जो इनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं और जो इनका करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैंने अंदर देखा काफ़ी स्टडी के जो साथ में ये बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, इनके काफ़ी इनके पास काफ़ी मेडल्स वगैरह अंदर इन्होंने एग्जीबिशन पूरी लगा रखी थी। और स्पेशली जो मेरे को और अच्छी एक बात लगी, जो आपको आपने वीडियो में देखा है आपके जो जो सिनेमैटिक था, वो जो आप म्यूज़िक का सीखना चाहते हो, आप मीडिया रूम जो देखना चाहते हो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो रखा था, तो वो भी एक बहुत मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा इस कॉलेज का। और हम बात करें अगर हमने कुछ मतलब जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे कुछ रेंटल्स के बारे में, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट लाइफ में, कि स्टूडेंट जो भी यहाँ पे घर वगैरह ऑलमोस्ट विनीपेग की तरह ही बने हुए हैं। और रेंटल्स की बात भी हमने की, वो जुज़ैर से बात करते हैं, पूछते हैं रेंटल्स के बारे में जो आपने बताया। तो रेंटल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट जो उनकी प्राइसेस थी जो आपको यहाँ पे रेंट करने को मिलता है वो ऑलमोस्ट विनीपेग जैसे सेम ही था। अगर आप एक प्राइवेट रूम चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 400 से 500 के बीच में इस प्राइस रेंज में आपको अपना प्राइवेट रूम मिल जाता है रेंट करने के लिए। अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में आए तो वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो जाता है, तो वो दैट इज़ अबाउट लाइक $350 to $400। सो ये प्राइस रेंज रहती है रेंटल्स के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं विनीपेग से ही, लेकिन अगर आपको विनीपेग का नहीं पता, डायरेक्टली मतलब अपनी होम कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको कंपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ब्रैंडन एक छोटी सिटी है लेकिन स्टिल एक बड़ा सिटी है, पॉपुलेटेड सिटी है, जो नॉर्मली हमारी रोज़ की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें होती हैं वो सारी यहाँ पर हैं। कॉलेज की बात करें, सिटी के साथ असेसिबल है, बस स्टॉप आपने देखा बिल्कुल बाहर ही है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली बसेस वगैरह चलती रहती हैं, और हाउसेज वगैरह थोड़ा सा दूर जाके हैं, उधर ऑपोजिट साइड पे भी कुछ घर हैं, कॉलोनीज़ वगैरह हैं, लेकिन बहुत सारा मतलब के ऑपोजिट साइड पे सिटी सेंटर वाली साइड पे जो घर वगैरह हैं वो ज़्यादा हैं, बट स्टिल एक छोटी सिटी है। सारी की सारी जो नेसेसिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके पे यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो अब अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ये भी एक बड़ा मसला है। कुछ दोस्तों से यहाँ पे मिले हम लोग, जो कि हमारे बाकायदा सब्सक्राइबर भी हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उनसे पता चला कि बहुत सारे जो लोग हैं विनीपेग से यहाँ जॉब करने भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से हम ये चीज़ें का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं मतलब के अच्छी हैं। अगर वो लोग वहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे भी स्टिल बहुत लोगों से बात हुई, तो उनको जॉब सर्च करने में, जॉब ढूंढने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। तो जितनी पॉपुलेशन है उतने ही हिसाब से यहाँ पर डिमांड भी है जॉब्स की, तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं रहने वाली। जो भी स्टूडेंट
इंडिया से, पाकिस्तान से, हमारी कंट्री से यहाँ पे आना चाहते हैं, ब्रेंडन आना चाहते हैं, तो अगर आपको यही कवाला कैंपस यहाँ पे आके कॉलेज में क्लासेस लगानी है तब भी अच्छा है, अगर आपको डाउनटाउन विनीपेग में जाके क्लासेस लगानी है तो वो और भी बेहतर है। तो दोस्तों इस टाइम खड़े हैं जी ब्रेंडन सिटी के बिल्कुल सिटी सेंटर में। पीछे आप देख सकते हो शॉपर्स मॉल है जो कि ब्रेंडन सिटी का एक ही इकलौता शॉपिंग मॉल है और ये एक तरह का सिटी सेंटर है जहाँ पे सारे के सारी जो भी डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, शॉपर्स हो गया, आपका बर्गर किंग हो गया, वॉलमार्ट हो गया, कैनेडियन टायर, आसपास में सारे के सारे जो भी मेन शोरूम्स वगैरह हैं वो सभी आसपास में हैं। फूड आउटलेट्स भी जो हमारे विनीपेग में मेनली हैं, पॉपॉइज़ हो गया, बर्गर किंग, टिम हॉर्टन, सारे के सारे जो हैं वो इसी जगह के ऊपर हैं। आप पीछे देख सकते हो कि सारे का सारा जो भी शॉपिंग कम्प्लेक्स है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड इस साइड पे भी रोड के उस पार भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि स्टेपल्स हो गया या और जो भी लिकर मार्ट वगैरह हो गया। तो ये सारी की सारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं ब्रेंडन सिटी में बहुत ही अच्छे से अवेलेबल हैं। तो ये है दोस्तों शॉपिंग मॉल का इंटीरियर, काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे। और जब भी आपको स्ट्रेस हो अपनी स्टडी का, अपने काम का, तो आप यहाँ पे आइए अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेले भी गेड़ी शेड़ी मारिए और मज़ा लीजिए। शॉपिंग मॉल में बैठे हैं इस टाइम और यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, मॉल को घूम लिया। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा मॉल है, लेकिन जो भी बेसिक से मतलब के शोरूम मतलब के आउटलेट्स वगैरह होती हैं वो यहाँ पे हैं, चाहे क्लोथिंग की लगा लो या बेसिक आपके कोई गिफ्ट आइटम्स वगैरह के, तो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन बहुत बड़ा नहीं है बट फिर भी लिमिटेड एडिशन में काफ़ी ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे।